Jai Hind Defense Aspirants, welcome back to my channel SSP Success. For any query regarding SSP and AFSP, please join our Telegram channel SSP Success, whose link is given in the description box. And for more updates regarding SSP and AFSP, do subscribe to our YouTube channel SSP Success.

ये जो 1100 मेगावाट कैपेसिटी पावर प्लांट है जो जनरेट करेगा सम ऑफ दी चीपेस्ट इलेक्ट्रिसिटी को अब बैकग्राउंड की बात करते हैं सीपेक uh, की पाकिस्तान ने एक्सपीरियंस किया है नेशन वाइड पावर आउटेज रिसेंटली ड्यू टू ब्रेकडाउन इन इट्स नेशनल ग्रिड कंट्री ने स्ट्रगल किया है विद ब्लैकआउट्स फॉर इयर्स और सर्जरी एनर्जी सर्जिंग एनर्जी कॉस्ट को जो है फेस कर रहे हैं लॉ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स एंड प्रेशर है, है उनके गवर्नमेंट के बजट में पाकिस्तान आईएमएफ के साथ टॉक में है फॉर बेल आउट इन एक्सचेंज फॉर इंक्रीज एनर्जी टैरिफ कंट्री का जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो लोवेस्ट पे गिरा हुआ है इन नाइन इयर्स एज हाई फ्यूल कॉस्ट पुट प्रेशर ऑन द गवर्नमेंट बजट अब सी पे क्या है देखो सीपेक एक थ्री थाउजेंड किलोमीटर लॉन्ग रूट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है जो कनेक्ट करता है चाइना को नॉर्थ वेस्ट से जीनजैग ऑटोनोमस रीजन को एंड द ग्वादा पोर्ट इन द वेस्टर्न प्रोविंस ऑफ द बल्चिस्तान इन पाकिस्तान ये एक बायोलेट्रल प्रोजेक्ट है पाकिस्तान एंड चाइना के बीच में जिसका यू नो इंटेंट था प्रमोट करना कनेक्टिविटी अक्रॉस पाकिस्तान अ नेटवर्क ऑफ हाईवेज हाईवे पाइपलाइंस जिसको एनर्जी इंडस्ट्रियल और दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के साथ एक्पनी किया जाता है ये पेव करता है वे फॉर चाइना टू तो एक्सेस द मिडल एंड अफ्रीका फ्रॉम ग्वादापोर्ट जिसकी वजह से चाइना जो है वो एक्सेस कर पाता है इंडियन ओशन को रिटर्न में चाइना सपोर्ट करता है डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इन पाकिस्तान टू ओवरकम वॉट लेटर

जो ग्रीन से मार्क है सोलर और जो डार्क ग्रीन से मार्क है से. आप वीडियो को पॉज करके उसको देख सकते हो क्या चैलेंजेस है लिए फॉर पाकिस्तान एंड जिसकी वजह से कंसर्न है रीजनल इंबैलेंसेस का इन डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट सेकंड इज ट्रैप पाकिस्तान का जो डेप्ट लेवल है That have become a concern due to large scale of project finance by the loans from China, or the ability here to repay these loans. China is Pakistan's largest creditor, hai, with owning 27.4% of its total external debt to China in 2021, as per the data given by IMF. Third is environmental impact. स्केल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो कि सीपेक को एक नेगेटिव इन्वायरमेंटल इंपैक्ट देता है जिसमें डिफोरेस्टेशन लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी एयर एंड वाटर पॉल्यूशन आता है डेवलपमेंट ऑफ प्रोजेक्ट अबाउट्लेसमेंट ऑफ लोल कम्युनिटी एंड द लॉस ऑफ देर ट्रेडिशनल लाइवलीहुड जिसकी वजह से इम्पैक्ट होता है इंक्रीज माइग्रेशन एंड पॉपुलेशन प्रेशर पे भी जो की रीजन में है उसके बाद सोवरिटी कंसर्न इज अनदर चैलेंज कुछ ने ये रेस किया है <coughs> oh, sorry. Sorry for the background noise also. <coughs> Some has raised concern about China's increasing influence in Pakistan and potential for the project to compromise the country's sovereignty and independence.

और जिस आ, आ, और जिसकी वजह से इंडिया का जो क्लेम है सेवेंटी थ्री थाउजेंड स्क्वायर किलोमीटर पीस ऑफ लैंड पे जो कि होम है टू मोर देन वन पॉइंट एट मिलियन पीपल वो डिमिनिश हो जाएगा चाइनीज कंट्रोल ओवर ट्रेड वियासी मेजर यूएस पोर्ट्स ऑन ईस्ट कोस्ट डिपेंड ऑन पनामा कैनाल टू ट्रेड विद चाइना अगर सी पैक चाइना इस पोजिशन में होगा कि वो शॉर्टर और मोर इकोनॉमिकल ट्रेड रूट ऑफर कर पाएगा नॉर्थ एंड लेटिन अमेरिकन एंटरप्राइजेस को जिसकी वजह से चाइना के पास पावर होगी डिक्टेट करने की इन टर्म्स ऑफ इंटरनेशनल मूवमेंट्स ऑफ गुड जो कि अटलांटिक एंड पैसिफिक ओशन के बीच में होगा स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स

वो देखा जाता है चाइनाज प्लान टू डोमिनेट द रीजन पॉलिटिकली और सी पेन स्टेप है उसी डायरेक्शन में वे फॉरवर्ड में क्या आना चाहिए देखो इंडिया जो है वो अपने लोकेशन का लेवरेज ले और लाइक माइंडेड कंट्रीज को इकट्ठा करके मल्टीलेटरल इनिशिएटिव ले एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर जो है वो इंडिया का इंडिया जापान इकोनॉमिक कॉपरेशन एग्रीमेंट है जो प्रोवाइड करेगा इंडिया को ग्रेट स्ट्राटेजिक बेनिफिट एंड काउंटर चाइना ब्लू डॉट नेटवर्क विच इज बी प्रमोटेड बाई द इट इज अ मल्टी स्टेक होल्डर इनिशियेटिव टू ब्रिंग टूगेदर कंट्रीज प्राइवेट सेक्टर सिविल सोसायटी टू प्रोट हाई क्वालिटी ट्रस्टेड स्टैंडर्ड्स फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ये एक्सपेक्ट किया जाता है ये सर्व करेगा ग्लोबली रेकोगनाइज इवेल्यूएशन और सर्टिफिकेशन सिस्टम को फॉर रोड पोर्स एंड बीच जो फोकस करेंगे इंडो पैसिफिक रीजन पे सो गाइज दट वज आई होप यू लाइक दीडियो इफ यू लाइक इट डू लाइक इट शेयर इट एंड सब्सक्राइब आई यूट्यूब चैनल एस एस पी सक्सेस थैंक यू गाइज